ऋतिक रोशन का परिवार एक बुरी मुसीबत में फंस गया है। पहले तो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई ने रोशन खानदान को नेगेटिव लाइमलाइट में ला दी। अब ऋतिक की बहन सुनैना रोशन ने अपने ही परिवार पर लगाया है गंभीर आरोप। सुनैना ने अपने पिता राकेश रोशन और पूरे परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। क्या है पूरा माजरा आपको बताते हैं। सुनैना के साथ हुए अत्याचार पर रोशनी डाली कंगना रनौत की बहन रंगोली चांडे ने ट्विटर पर। रंगोली ने ट्वीट कर बताया कि ऋतिक की बहन सुनैना एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इस संबंध से नाराज परिवार सुनैना के साथ मारपीट भी करता है। ऋतिक रोशन की फैमिली सुनैना को टॉर्चर कर रही है और सुनैना इस मामले में कंगना से मदद मांग रही है। पिछले हफ्ते एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनके पिता ने भी उन्हें मारा और उनका भाई उन्हें बंद करके रखना चाहते हैं। रंगोली ने आगे लिखा, मुझे डर है कि उनका खतरनाक परिवार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमने इस बात को सार्वजनिक इसलिए किया है क्योंकि सुनैना हमेशा कंगना को कॉल कर रोती रहती है। कंगना को नहीं पता कि वो उनकी मदद कैसे करे, इसलिए उन्होंने सुनैना का नंबर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हम उनकी सेफ्टी के लिए चिंतित है। मुझे उम्मीद है इससे रोशन फैमिली को डर लगेगा और वो अपनी हरकतें रोक देंगे। रंगोली के इस ट्वीट ने मानो तहलका मचा दिया। सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या रंगोली वाकई में सच बोल रही है, और फिर सुनैना ने इस पर रिएक्शन दे दिया। उन्होंने रंगोली के कही बातों को 100% सच बताया। एक वेबसाइट से हुई बातचीत में सुनैना ने बताया है कि वो हमेशा की तरह ही नरक में रहने जैसा जीवन जी रही है। सुनैना का कहना है कि कंगना की बहन रंगोली द्वारा किए गए सभी ट्वीट पड़े हैं और यही सच्चाई है। इस सच्चाई के सामने आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद चाहती थी कि उनका ये सच सबके सामने आए। उन्हें अपनी बुरी हालत के बारे में रंगोली के द्वारा ट्वीट किए जाने पर कोई भी एतराज नहीं है। सुनैना रोशन ने दिल्ली में रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ अपने लव अफेयर पर भी अपनी बात रखी है। इस इंटरव्यू में सुनैना कहती है, पिछले साल मुझे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ। हम फेसबुक पर मिले, मैंने उनका नंबर लिया लेकिन अपने फोन में सेव नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को इस बारे में पता चले। मेरे पिता ने इसे लेकर मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक आतंकवादी है जो कि रुहेल नहीं है। अगर वो एक आतंकवादी होता तो वो मीडिया में काम करते हुए आजाद कैसे घूम रहा होता है। वो एक पत्रकार है और उनका नाम रुहेल अमीन है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमारे रिश्ते को स्वीकार करे। मैं इस वक्त उनसे शादी करने के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मुस्लिम युवक है। वेलिए पहले तो सिर्फ कंगना और ऋतिक के बीच हुई लड़ाई दुनिया के सामने आई थी, लेकिन अब सुनैना का एक इंटरव्यू में अपने ही परिवार पर संगीन आरोप लगाना, एक तरह से आज पूरा रोशन परिवार दुनिया के सामने एक्सपोज होता नजर आ रहा है। अब रोशन परिवार की ओर से क्या बयान आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा।